मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी कोल्ड सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। काफ़ी बार हमें कुछ रिफ्रेशिंग और लाइट खाने का मन होता है, पर समझ नहीं आता कि क्या खाएं। तो एक बार इस सैंडविच को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी। मैं नीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीता इन द किचन में। कोल्ड सैंडविच बनाने के लिए मैंने कुछ होममेड ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। इस होममेड ब्रेड को मैंने आटे से बनाया है, आप मार्केट का कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको होममेड ब्रेड की रेसिपी देखनी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। अब सैंडविच की स्टफिंग के लिए मैं ले रही हूँ 2 गाजर, 1 टमाटर, 1 खीरा। सबको मैंने पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लिया था। अब सबसे पहले खीरे को छील लेंगे और फिर गाजर को। ये कुछ लेट्यूस लीव है यानी सलाद पत्ता, जिसे हम सैंडविच में यूज करने वाले हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है और ये लीव्स इतना क्रंची होता है कि सैंडविच जब खाते हैं ना तो इसका क्रंच सैंडविच को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। साथ ही ये लीव्स ही है जो हमारे सैंडविच को एकदम रिफ्रेशिंग बनाएगा। अब खीरे को ग्रेट कर लेंगे। खीरे में बहुत सारा पानी होता है, तो ग्रेट करने के बाद इसे इस तरह से हाथ से निचोड़कर सारा पानी निकालकर एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। मैंने सभी खीरे से पानी को निचोड़कर मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है, इसे साइड पर रख देंगे। और अब गाजर को भी ग्रेट कर लेंगे। गाजर भी ग्रेट हो चुका है और अब टमाटर को ऊपर से इस तरीके से कट कर लेंगे। सीड्स को निकाल देंगे और नाइफ से इसे फाइन चॉप कर लेंगे। दोस्तों जब भी आपको लाइट और रिफ्रेशिंग खाने का मन करे फटाफट इस सैंडविच को बनाइए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। इसमें कोई कुकिंग की जरूरत नहीं है, सब कुछ रॉ है तो जल्दी बन भी जाता है। अब जो बोल में ग्रेट किया हुआ खीरा रखा है ना, इसी में हम चॉप टमाटर और ग्रेट किए हुए गाजर को ऐड कर देंगे। साथ में स्टफिंग को फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच ऑरेगेनो, 1/2 कप मेयोनीज और थोड़ा सा नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत टेस्टी सी रिफ्रेशिंग स्टफिंग बनकर तैयार है। अब सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर स्टफिंग की सेमी थिक लेयर लगा लेंगे। यहाँ मैं ढेर सारा लेट्यूस लीव डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अब एक और ब्रेड लेंगे और इसके भी साइड्स पर स्टफिंग लगा लेंगे इस तरह से। स्टफिंग हमारा लग गया है तो अब हम इसे स्टफिंग वाले साइड को लिप्स के ऊपर रखकर हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा सैंडविच भी असेंबल कर लेंगे। अब इसे फ्रिज में 25 से 30 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही ये सैंडविच खाइएगा तो बहुत बहुत टेस्टी लगता है। 25 मिनट तक मैंने फ्रिज में रखा है, इसके बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि लेट्यूस लीव यानी सलाद पत्ते की वजह से हमारी सैंडविच अंदर से कितनी क्रंची है। ये देखिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग और यम्मी सैंडविच बनकर तैयार है। आप भी इसे एक बार बनाइए और एंजॉय कीजिए, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। इस सैंडविच को चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।